नमस्कार दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन मुझसे कुछ दिन पहले किसी बहन ने पूछा था और ये उनका समस्या आ रही है, या उनको जब भी वो कंसीव करते हैं कोई किसी भी वजह से जो बर्थ है बच्चे का वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो मैंने उस टाइम पे उनको ईमेल अपना जो रिप्लाई है वो लिखा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लीजिए और मैं आप फ्री में कुंडली नहीं। और ये वाकई ही है कि अब मैं फ्री में कुंडली नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें हैं जहाँ पर क्वेश्चन आता है या मैं उनको यूज करता हूँ उस डाटा को, तो इस क्वेश्चन को एक प्रडिक्शन के लिए, प्री प्रडिक्शन के अलावा साथ इसमें आप ये या इसका आंसर करने के लिए क्या है कि एक मेरा कोर्स का जो अभी रात का बैच चलता है 9:30 से 11 बजे के बीच चलता है, 1.5 घंटे की मिनिमम क्लास होती है और इसकी संडे से ही ये बेस्ट आता है। अगर आपको ये इस तरह की चीजें सीखनी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इस रूप में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि साथ में मेरे बैच का जो मैं बारे में जो चल रहा है न्यूरोलॉजी उसके बारे में बता सकूँ और किस तरीके से मैं उसको बताता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो किसी वजह इस देश की वजह से इस बहन के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो इनका नाम मैंने हाइड करने की कोशिश की है, लेकिन ये अगर YouTube पे आते हैं और देखते हैं कभी भी तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लिखी हुई। तो इस चीज का जो क्वेश्चन से जो मेरा पूरा न्यूरोलॉजी बेस्ड से पूरा प्रिडिक्शन, और न्यूरोलॉजी से जो अभी मैंने देखा इनकी जो दशा, न्यूरोलॉजी दशा या जो इनका एक्सिस एक्टिवेट होने का, देखिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी का है। जो ये आपके प्रॉब्लम आ रहा है, जो कुल की वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ कोई कुल की पूजा होती नहीं और वो अभी किसी वजह से ब्रेक हुई है, या वहां पर कोई भी छोटा मोटा जो भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया है उसको आप लोग ही दूर कर सकते। आपके हस्बैंड के फैमिली की साइड जहाँ पर भी आपके पितरों और पूर्वजों और कुल देवी कुल देवता की जो पूजा होती है आप उसको हर साल करते रहिए। जो भी एक शेड्यूल वहाँ पे होगा पता कर लीजिए। दूसरी जो आपको बात करनी है, क्योंकि तो आपको अभी चल रहा है 2023, 1/12/2023 का आपका जब बर्थडे आएगा उस, या जब उस बर्थडे के पहले से ही अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है एकेडमिक सेशन बच्चों का शुरू हो गया होगा, लेकिन जब आपका 1/12/2023 को आएगा तो जब मार्च अप्रैल में न्यू एडमिशंस होते हैं, किसी लड़की का गरीब लड़की का एजुकेशन का जो साल की शुरुआत में एक बार जो यूनिफॉर्म लगती है या जो आप कह सकते हैं बुक्स लगती हैं, किसी एक बच्चे को ये हर साल हो जाएगी। ये आप जब दिलाते हुए 2 साल हो जाएंगे तो तीसरे साल जब आपका समझो चलेंगे, यानी कि अंदाजन जब आप उस टाइम पे 33 ईयर आपका चल रहा होगा, आपको जो भी इश्यू आ रहे संतान से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे और 33 ईयर रनिंग में आपको मतलब मम्मी बनने का या माता का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये मैंने अपनी कैलकुलेशन बताई है। अगर इस तरह की चीजें कोई भी और जातक जो न्यूमरोलॉजी का मैंने यहाँ लिखा भी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे मैरिज है, चाहे चाइल्ड बर्थ है, हेल्थ इश्यूज है, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंडिविजुअल की है, या कोई भी आप जैसे हम वैदिक से प्रिडिक्शन करते हैं सेम वही चीजों को अगर हम न्यूमरोलॉजी से कैसे सीखते हैं, अगर आपको वैदिक की नॉलेज भी है और आप इसको न्यूमरोलॉजी से भी उस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मेरा न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स रहता है उसका नाम रहता है मास्टर ऑफ प्रिडिक्शंस, मास्टर ऑफ प्रिडिक्शंस इन न्यूमरोलॉजी। तो एक बेसिकली न्यूमरोलॉजी कोर्स है। तो इस अपने कोर्स, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है मैं उसको पढ़ाता हूँ तो दूसरों को बता देता हूँ अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहे। फीस और ये सब के लिए आप मेरा जो भी नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फीस सबके लिए सेम रहती है। जय श्री।